और भांग की पकौड़ी बन रही भाई, और ये भंगोटे के लिए दूध। ये कैमरा है क्या? हाँ हाँ हाँ। कितने का मिला है? ओ भाई लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है, मजा आ गया भाई। वो भांग की पकौड़ी लक्की भाई तो चबाने लग गए हैं देखो। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। आज है शिवरात्रि, मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि गाइस, हर हर महादेव। आज का कुछ ऐसा सीन है, हम जाने वाले हैं अलग अलग मंदिर में। हमारे पिथौरागढ़ में भोलेनाथ के बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, एक दो मंदिरों में जाएंगे भाई। आज लक्की भाई और आशु भाई भी आएंगे आज मेरे साथ, आप लोगों को काफी मजा आएगा और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी भाई। हमारी पहाड़ी संस्कृति है और हमारी पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड मतलब आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी गाइस। आज सबसे पहले नहाना है और फ्रेश व्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद चलते हैं गाइस मंदिर की ओर। ओके वहाँ आ चुका हूँ भाई बाइक लेके और बिल्कुल रेडी होके, और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने वॉच भी पहनी है भाई। अभी लक्की भाई गए हैं अपना हेलमेट लेने के लिए, उनकी बाइक तो ले जा रहा है भाई, उनका भाई शायद लेके भी चले ही है, वो हेलमेट लेके आएंगे और हम एक ही मेरी बाइक में जाएंगे आज। पहले लक्की भाई आ चुके हैं, अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे भाई मंदिर। इतना ब्यूटीफुल इतना सुंदर मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा भाई, मतलब हमारे पिथौरागढ़ पर ही वो मंदिर है APS रोड पे। और आज हम मोटो व्लॉग काफ़ी कम करेंगे भाई, तो गाइस पेट्रोल भी फिल करा दिया यहाँ से थोड़ा बहुत। ये है विशाल मेगा मार्ट का मॉल और मॉल से जस्ट पीछे पे भाई ये मंदिर पड़ता है। इतना ब्यूटीफुल मंदिर है ना भाई, कई सुंदर मंदिर है भाई, और मेरे को लगता है भाई कई अंटा संटा भीड़ हो रही है यहाँ। मतलब मंदिर पहुँच गए हैं और इतना सुंदर मंदिर है ना, आपको भी दिखाऊंगा भाई, और काफ़ी भीड़ लगी है भाई, देख सकते हैं सामने। जैसे हम शुरू से वहाँ से आ रहे हैं ना, और तो यहाँ पे देख सकते हैं भोलेनाथ की कितनी मस्त सी मतलब मूर्ति बना रखी है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है भाई मंदिर पे। ओ नमः शिवाय, और सब मंत्र लिखे हैं भाई इसमें, और नंदी महाराज के सामने सब धूप बत्ती चला रहे हैं भाई। भाई ये है कई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंदिर भाई, कितना प्यारा बना रखा है भाई, ये इतना ब्यूटीफुल बना रखा है ना भाई, देख सकते हैं मेरे पीछे, और काफ़ी भीड़ हो रही है भाई। यहाँ पे भीड़ नहीं होगी तो आप अकेले एकांत में आइए यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो आपको ऐसा फील होगा कि कहीं मस्त फील होगा भाई, मतलब एकदम कूल, मतलब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा भाई, मस्त लग रहा है भाई। गणेश जी का मंदिर है, सर जा सकते हैं? नहीं नहीं वो मंदिर मंदिर में, हाँ मतलब आपको नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं? ओके
तो भाई फाइनली एंट्री मिल चुकी है, सेरा देवल जा रहे हैं भाई। देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी है, सब सेरा देवल मंदिर जा रहे हैं भाई। और अपन भी सेरा देवल मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, और फिर वहाँ से वड्डा जाएंगे। भी हम पहुँचे सेरा देवल और यहाँ पे भी मेला लगा भाई, कहीं तगड़ा वाला भाई। भाई ये है सेरा देवल का मंदिर और देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ लगी बड़ी है भाई। सर ये कैमरा है क्या? हाँ हाँ हाँ। कितने का मिला यार ये? 50,000 का। दिखाना है यार, तेरा घर जाएगा उसमें। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ तुम भी रिकॉर्ड हो गए हो। हाँ ज्यादातर फर्जी आइटम मिलता है भाई मेले में। सॉफ्टी खाने का विचार हो रहा था मेरा तो। मस्त मेला लगा भाई यहाँ पे। कैसे है? बढ़िया। अच्छा ये तुम्हारा हो? ये क्या नाम है आपका? कुणाल भट्ट। इतने प्यारे क्यों आप? इतने प्यारे क्यों? क्यूट से। सॉफ्टी खिलाओ। एक कितने की है? दे दो। अभी हम यहाँ से सीधे वड्डा चलते हैं भाई, और वड्डा पहुँच कर मिलते हैं यहाँ से सीधे, क्योंकि यहाँ पे भी कई भीड़ हो रही है। वड्डा में भाई भंगोटा पियेंगे, और यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक कई गंदा वाला भाई। ये सारी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, आ चुके हैं मेन रोड में। और ये है महाराजा पार्क भाई, देख सकते हैं। कभी यहाँ पे भी आएंगे और वीडियो बनाएंगे भाई। अभी चलते हैं हम वड्डा को, और इसमें बैटरी कम है तो सीधे वड्डा जाके मिलते हैं गाइस आपसे। ये रहा वड्डा का स्टेशन गाइस, और अभी हम पहुँचे हैं भाई मेन वड्डा। मेन वड्डा मार्केट है भाई, यहाँ से स्टार्ट होती है, और जहाँ पे हमने जाना है ना भाई मूना कोट है उस जगह का नाम। यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर लगभग। भाई मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये रही बाइक, और शूज यहाँ पे रख दिए हैं, और अभी मंदिर के अंदर घुसते हैं भाई। यहाँ से भंगोटा सकते हैं, भंगोटा बन रहा है, भांग की पकौड़ी बन रही है भाई, और ये भंगोटे के लिए दूध। इतनी अमेजिंग चीज़ दिख रही है भाई, आंवले आंवले भाई सारे पेड़ में। जय हो भाई। बच्चा कहाँ चढ़ गया मेरी टैंकी में, गाड़ी में आगे आमिर वाला। कहाँ कहाँ रहते हो? मुनाकोट। क्या नाम हुआ आगे? राणा हुए? नारायण। नारायण कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दो। दो में? मेरे को जानते हो क्यों? मजा आ रहा है सच्ची में? भाई ये कहीं हॉर्न बजा दे रहे क्यों यार? हम अब तो तेरे को मार्केट ही उतारेंगे हम। मार्केट मार्केट उतारूंगा मैं तेरे को। क्यों यार मार्केट? भाई ये देखो भांग की पकौड़ी। लक्की भाई तो चबाने लग गए हैं, देखो भूख लग गई लक्की भाई को। अभी तक बोले थे पढ़ते हैं। पकौड़ी नहीं खाते क्या? पकौड़ी का खाते पढ़ते हैं। तू तो आइसक्रीम खा रहा है वो कहते। मैं कहा खा? मैंने नहीं कहा भाई पढ़ते हैं भाई। इतनी मस्त पकौड़ियाँ हो रही हैं, और ये बन रहा भंगोटा। भी देखो पूरा कलर आ चुका है, पीला पीला हो चुका है भाई। भाई मंदिर आ गए और भांग की पकौड़ी नहीं खाई, भोले का प्रसाद तो क्या खाया भाई, देख सकते हैं। और आंखें भी लाल हो चुकी हैं अब तो मेरी यार, कहीं गंदी वाली। से अभी हमारा दूसरा मंदिर जाने का कहीं प्लान बन रहा है, और यहाँ पे लग गई गाड़ी में धूल। बाकी यार बैटरी हो पाएगी तो दिखाएंगे आपको सीन, बाकी देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा सीन दिख रहा है भाई, एक नंबर। ओ भाई लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है, मज़ा आ गया भाई। ऐसा लग रहा है गुफा के अंदर घुस गए हैं भयंकर। कहाँ कहाँ से जा रहे हैं भाई ये बड़ो। उतर जाओ आप यार भाई।
दिखोगे अब तुम देखो।